दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेस, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर्ड बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन, थाली.com, गीता कॉलोनी, पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जाटल रोड पर लगे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में काम कर रहे कर्मचारियों की जिंदगी से हो रहा है खिलवाड़। SGPG कॉलेज में चल रहे युवा सांग महोत्सव के तीसरे दिन आर्य कॉलेज ने दी अपनी प्रस्तुति। RTI लगाने वाले किसान के खिलाफ FIR दर्ज, FIR रद्द करवाने के लिए जन अभियान मंच ने किया प्रदर्शन। झारखंड के रांची विश्वविद्यालय में आर्य कॉलेज के विद्यार्थियों ने लहराया जीत का परचम। मिसेज इंडिया 2017 के नवनिधि के वाधवा से वॉइस ऑफ पानीपत ने की खास बातचीत। पानीपत में जिला प्रशासन की नाक के तले बड़ा घोटाला चल रहा है। जाटल रोड पर बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में काम कर रहे कर्मचारी दिन पर दिन मौत के आगोश में जा रहे हैं। इतना ही नहीं, PWD के अधिकारी भी वहां पर तैनात रहते हैं। इसके बावजूद भी इतनी बड़ी धांधली और लापरवाही सामने आई। जब वॉइस ऑफ पानीपत की टीम वहां पर पहुंची तो अधिकारी कार में सवार होकर वहां से खिसक गए। देखिए पूरा मामला। जाटल रोड पर नहर के पास सरकार द्वारा गंदे पानी को साफ करने का सीवरेज प्लांट लगाया गया था। प्लांट का ठेका पंचकुला की एक कंपनी गिरधारी लाल अग्रवाल को दिया था। कंपनी द्वारा जो कर्मचारी लगाए गए हैं उनमें से कुछ ने ITI भी कर रखी है। जिस प्लांट में कर्मचारी काम कर रहे हैं वहां पर गंदे पानी की बदबू हमेशा रहती है। इन कर्मचारियों के सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। न तो इन्हें मास्क दिया जाता है और न ही दस्ताने, साथ ही सुरक्षा के मानकों से जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो भी नहीं दी जा रही। हम यहाँ जाटल STP पे काम करते हैं। हमारा पूरा स्टाफ है, 10 MLD और 20 MLD। जाटल रोड का प्लांट है ये, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो हम लोगों को यहाँ पर कर्मचारियों का बहुत शोषण हो रहा है। 8 घंटे की यहाँ शिफ्ट होती है लेकिन हम लोगों से 12-12, 14-14 घंटे काम लिया जा रहा है हमसे। सेफ्टी के नाम पर हमें कोई भी चीज नहीं दी जाती है, ना ग्लव्स, दस्ताने, हेलमेट, मास्क, कुछ भी नहीं दी जाता हमको। साबुन तक हम लोग को यूज़ करने के लिए पूछना पड़ता है, इवन मिलता भी नहीं है साबुन। पहुंचा भी नहीं मिलता सर, यहाँ पहुंचा भी 4 बार पूछ के मिलता है। ये सारे कर्मचारी हैं, किसी की 6,000 रुपये तनख्वाह है, किसी की 8,000 रुपये तनख्वाह है। 6,000 से 8,000 के बीच में ये सबकी तनख्वाह। तनख्वाह अगर बढ़ाने का नाम लेते हैं तो 1.5-2 साल हो गया किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती। और बात करने का तरीका इतना गंदा है इन लोगों का कि ये बात आप पूछिए मत। ये हमारे स्टाफ के लोग हैं, वाउचर पे खाली साइन करा देते हैं। हाँ, वाउचर पे खाली साइन करा लेते हैं ये लोग हमसे। मस्टर हॉल पे खाली साइन कराते हैं स्टैंप लगा के। सैलरी भरने की अगर बात करते हैं, सैलरी कोई हमसे भराई नहीं जाती है, ये लोग अपने आप सैलरी भर लेते हैं। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। ना कोई सेफ्टी दी जाती है यहाँ पे, ना कुछ साबुन तक नहीं उपलब्ध है। सब बंदों के साथ में शोषण किया जा रहा है बुरी तरह से। गालियां गुलियां भी देते हैं, काम नहीं करेंगे तो गालियां ही देंगे। गाली देंगे 12 या 14 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 14-14 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। जब तुम कहते हो क्या कहते हैं? कहते हैं यहाँ तो करनी पड़ेगी, नहीं तो भगा देंगे तुमको यहाँ से, छुट्टी कर देंगे तुम्हारी। हैरान करने वाली बात है कि इन कर्मचारियों से 12 घंटे की ड्यूटी ली जा रही है और तनख्वाह मात्र 6,000 से 8,000 रुपए। कर्मचारियों से खाली वाउचर पर साइन करवाए जाते हैं और साथ ही सैलरी रजिस्टर पर भी साइन करवा लिए जाते हैं, जबकि सामने सैलरी मेंशन ही नहीं की जाती। हम रात भी यहाँ पे 11 बजे तक काम किया और सुबह मॉर्निंग में फिर सरकार हमारे 5:30 बजे फोन आ गया कि आप कहाँ पे हो, और यहाँ पे बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा है सर। बंदों को सेफ्टी का कोई सामान नहीं है। सैलरी के बढ़ाने के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि हम बात करेंगे, बात करने करने में सर 4-5 महीने निकल जाते हैं उसमें। आज क्यों बाहर निकाल दिया? आज ये इसलिए निकाल दिया सर, हमने कुछ एक डिमांड की थी कल, यहाँ तक कि सर यहाँ पे हाथ पोछने के लिए कपड़ा भी नहीं है और साबुन उबुन भी नहीं है वहाँ पे अंदर सर, तो
हमने कुछ कहा रिक्वायर्ड की तो उन्होंने कहा कि हम आपको बाहर कर रहे हैं, हम कंपनी में नहीं रखेंगे आपको, और धमकी कह रहे हैं कि हम पुलिस वालों को बुला के आपको पिटवा देंगे। रात को बाईपास करते हैं? हाँ, रात को बाईपास भी कर देते हैं जी। आपके पास सबूत है सर? मैं यहाँ पे ऑपरेटर हूँ, यहाँ पे सर बहुत शोषण हो रहा है, यहाँ पे नहीं तो कोई छुट्टी मिल रही है, नई सैलरी बढ़ा रहे हैं सर, यहाँ पे नहीं तो कोई सेफ्टी है किसी के, नई साबुन नहीं पोचा कुछ भी नहीं मिल रहा सर यहाँ पे सर। केमिकल यूज होता है? केमिकल यूज होता है सर, केमिकल भी नहीं वो कर रहे सर इसमें, पानी में डाल रहे, वो ऐसा ही रखा है हमारे को, कुछ भी चीज सेफ्टी के लिए कुछ नहीं मिल रहा जी। ठीक है जी, और श्योर मैन है जी, हम कोई दवाई या कुछ भी कोई ऐसी चीज हमारे को नहीं मिली जो हमारे के लिए सेफ हो जी। इतने परेशान हैं कि हद से ज्यादा जी। और कहते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले बोले अब तुम अलर्ट मरवाएंगे और पुलिस बुलाएंगे और गेट से बाहर। क्यों कह रहे थे? ये कि तुम लोग काम नहीं करते, ये वो जी। कौन करता है ये? सैलरी डिमांड रखी थी हमने तो सैलरी के बारे में, तुमने बोले तुम लोगों को यहाँ तोड़ फोड़ के उसमें ये बाहर करवा देंगे आपको। कितने साल से काम कर रहे? यहाँ 1.5-2 साल से हूँ जी। तो कहाँ निशान कहाँ है तुम्हारे? पर्दे में जी। पर्दे में? हाँ जी। किस चीज के निशान, कैसे हुए? वो सलज में घुसे हुए थे जी। अच्छा, तो ये दवाई तो भी ना? ना कोई दवाई नहीं जी। अब जो वीडियो फुटेज आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस फुटेज में दावा किया जा रहा है कि रात को गंदा पानी सीधा बाईपास किया जाता है, लेकिन वॉइस ऑफ पानीपत इसकी पुष्टि नहीं करता। जब अंदर के हालात देखने के लिए हमारी टीम अंदर गई तो वहां दूसरे कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ में न तो दस्ताने थे और न ही मास्क। कहां से आए हो? कानपुर से। आज ही आए हो? हाँ। किसने बुलाया था? सर जब विधायक लेने कंपनी में हम लोग जो काम किया हुआ उसको फिटिंग, कोई चीज टूटी फूटी उसको काम करने आते हैं। अब सिवा में 2-3 दिन से आज यहाँ पे आए हुए। रिपेयर करने आते जी हैं। सर तो ये सेफ्टी पॉइंट से क्या दे रखा आपने? सर हमें सेफ्टी को जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? बदबू आ रही है, मास्क नहीं है, ये कर्मचारी लगे हुए हैं, इनको दस्ताने नहीं है, ये सेफ्टी नहीं है? सर हम लोग सिवा में सब मटेरियल रखा हुआ, सामान हमारा रखा हुआ है, तो आप हम लोग अभी आए हैं। आए तो ये सेफ्टी पॉइंट तो चलना चाहिए कि नहीं? सर सेफ्टी नहीं हमारे पास। जब हम इस सारे मामले की कवरेज कर रहे थे तो वहाँ अपने आप को कंपनी का हिमायती बताने वाला एक युवक सामने आया और उसने कवरेज रोकनी चाही। फिलहाल कंपनी के सभी कर्मचारियों ने सीएम विंडो पर दरख्वास्त देकर कंपनी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। हमने कंपनी का पक्ष जानने के लिए अधिकारियों से बात करनी चाही लेकिन संपर्क नहीं हो सका। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप कुमार के साथ कुलवंत सिंह। जन अभियान मंच ने अधिकारियों को ज्ञापन देकर किसान के ऊपर दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करवाने की मांग की है। जन अभियान मंच के संस्थापक सदस्य पीपी कपूर ने पत्रकारों को बताया कि 14 दिसंबर 2017 को किसान मोजीराम ने गांव में हो रही विकास कार्यों में धांधली को लेकर आरटीआई लगाई, तो उन्होंने बताया कि बीडीपीओ रितु लाठर द्वारा 30 दिन में भी कोई सूचना नहीं दी, जिस पर मोजीराम ने दोबारा फिर दर्ज की। उन्होंने बताया कि बीडीपीओ दफ्तर में काम कर रहे कर्मचारी सतबीर, जो कि अपने आप को रितु लाठर का रिश्तेदार बताता है, ने मोजीराम को धमकियां देते हुए आरटीआई वापस लेने की मांग की, जिसके साथ मोजीराम की पत्नी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने बताया कि इस खतरे का उन्हें पहले से ही आभास था, परंतु बीडीपीओ रितु लाठर ने 21 फरवरी 2018 को धारा 323, 332, 186, 367, 506 आईपीसी के तहत रंजिशन व दबाव बनाने के लिए अपने खिलाफ लगी आरटीआई उठवाने के खिलाफ केस दर्ज किया। फिलहाल उन्होंने इस मामले में जांच की मांग की है। बराना गांव के एक आरटीआई कार्यकर्ता है, मोजीराम किसान है, उन्होंने बीडीपीओ पानीपत रितु लाठर के भ्रष्टाचारों के खिलाफ आरटीआई लगाई थी दिसंबर महीने में, वो उन्होंने उसको सूचना नहीं दी 2 महीने तक, जबकि 30 दिन में सूचना देनी थी, और अब इनके ऊपर दबाव बनाने के लिए ताकि ये डर कर जो है अपना आरटीआई को वापस ले लें और वो भ्रष्टाचार से उनका उजागर ना हो पाए, अब उन्होंने 21 तारीख को अपने चपरासी सतबीर सिंह के माध्यम से एक झूठा पुलिस केस इनकी पत्नी कृष्णा देवी और मोजीराम के खिलाफ यहाँ पानीपत सदर थाने में दर्ज करा दिया गया है कि इन्होंने सरकारी काम में बाधा डाली और सतबीर सिंह चपरासी के साथ मारपीट करी, जबकि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है इनके घर के बाहर, उसको पूरा हमने रिकॉर्डिंग भी दी है पुलिस को, उसके अंदर सारा सबूत है कि वो सीधे आ रहा है और सीधे जा रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, सिर्फ उसने आके धमकी दी इनको कि शिकायत वापस ले लो। तो हम यहाँ पर जन अभियान मंच की तरफ से आज डीसी साहब को, एसपी साहब को ज्ञापन देंगे और मुख्य सूचना आयुक्त को भी हम यहाँ ज्ञापन भेजेंगे कि यहाँ पर आरटीआई लगाने वालों के ऊपर किस तरीके से पानीपत की बीडीपीओ
रितु लाठर जो है दमन कर रही है, झूठे पुलिस केस बनाकर उनकी आवाज को दबाना चाहती है। दो महीने हुए मैंने आरटीआई लगाई थी जी, मांगी थी जी वीडियो से जी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं जवाब दिया तो मैंने बोर्ड गए दोबारा अपील भी लगा दी जी, भाई क्यों नहीं दिया। तो सर 20 तारीख को 5:30 बजे इसने अपना चपरासी भेजा जी, मेरे से बोले भाई तो फैसला कर ले, हमारे घर के सामने ही घर ही गया। मैं बोला भाई मैं फैसला तो करता नहीं, मैंने तो कागज चाहिए, कागज दे दो। तो सर वो धमकी देने लग गया, बूंदिया अच्छी कहने लग गया। मैंने उस तक कह दिया भाई तू तो अपने घर आ जा, वो सुरक्षित अपने घर चलेगा। हर बलगन्नू कहा जी उन्हें अग देख लूंगा तेने दो दिन के अंदर अंदर भीतर ना करवाए तो तेरे परिवार के न भी बेरा लायक जगह तने भी बेरा लायक जगह। तो अगले ही दिन 21 तारीख को ही षड्यंत्र रचेगा, मेरे ऊपर 5 धाराएं लगा दी जी और मेरे कैमरे लगे हुए जी, अगर जो उसमें मेरा मारपीट का कोई उपाय जाए तो मैं गुनाहगार हूँ जी। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी युवा महोत्सव में आरएपीजी कॉलेज के होनहार छात्रों ने झारखंड के रांची विश्वविद्यालय में हरियाणवी फोक ऑर्केस्ट्रा, हरियाणवी स्मूल नृत्य और प्रोसेशन में प्रथम स्थान हासिल कर ओवरऑल ट्रॉफी हासिल की। आरएपीजी कॉलेज के होनहार कलाकारों ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी युवा महोत्सव में धूम मचाई। झारखंड के रांची विश्वविद्यालय रांची में 16 से 20 फरवरी को आयोजित युवा महोत्सव में 86 विश्वविद्यालयों की टीमों ने भाग लिया। आरएपीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए हरियाणवी फोक ऑर्केस्ट्रा, हरियाणवी स्मूल नृत्य व प्रोसेशन में प्रथम स्थान हासिल किया और ओवरऑल ट्रॉफी पर कब्जा किया। शुक्रवार सुबह महाविद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर विजेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने टीम के साथ गए सभी प्राध्यापकों, निर्देशकों व प्रतिभागियों का फूल मालाओं से स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। एसडीपीजी कॉलेज में चल रहे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित 4 दिवसीय रत्नावली सांग युवा महोत्सव में तीसरे दिन आरएपीजी कॉलेज ने सांग ध्रुव भक्त प्रस्तुत किया। एसजीपीजी कॉलेज में चल रहे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रत्नावली युवा सांग महोत्सव के तीसरे दिन आर्य कॉलेज की टीम ने मंचन किया। हरियाणवी संस्कृति की गौरवमयी पहचान को धूमिल न होने दें, आर्य कॉलेज की टीम ने अपना सांग ध्रुव भक्त प्रस्तुत किया। हरियाणवी संस्कृति बहुत प्राचीन है, ऑनर किलिंग और भ्रूण हत्या जैसी बुराइयां इसे धूमिल कर रहे हैं। पढ़े लिखे लड़के लड़कियां प्रेम विवाह कर रहे हैं, रूढ़िवादी परिवार उनका घोर विरोध करते हैं, इससे समाज में ऑनर किलिंग तक की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। रत्नावली युवा सांग महोत्सव में मंच पर अभिनय करते विद्यार्थी और महोत्सव का आनंद लेते दर्शक। फेस्टिवल करवाया जाता है, इसे भी जो अपने बूढ़े बुजुर्ग हैं वो देखने आएंगे, बच्चों में जो
जिनकी मतलब कम उम्र है वो उनको भी नहीं पता सांग वगैरह तो क्या होता है, तो उनको मतलब आगे देखने के लिए क्या होता मतलब इसकी वो मिलेगी। जो ये हमारे बुजुर्ग ध्यान से सुन रहे हैं तो सारी हर एक बात सच्चाई है इनकी। हमारे हरियाणा का जो कल्चर है वो आजकल खत्म होता जा रहा है, इतना मॉडर्न टाइम हो गया है कि भाई हमारा हरियाणा का कल्चर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया। सारे मॉडर्न लाइफ, सारे फैशन, सब इन सब चीज़ों के पीछे भागे। किसी को ये नहीं पता कि जो जहाँ वो रह रहे हैं उनके बारे में तो उनको जानना चाहिए कि क्या है हमारा कल्चर, क्या था पहले, कैसे रहते थे लोग, उनके बारे में तो जानना चाहिए। अब जो हमें ही नहीं पता तो हमारे आने वाली जनरेशन को इसके बारे में क्या पता होगा। हम भी ऐसे हैं कि जो हम सांग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमें ही नहीं पता, तो हमारी आने वाली जनरेशन को कैसे पता होगा इस चीज़ का। इसीलिए अगर हम सांग करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन को हमें पता लगेगा कि ये होता क्या है, हमारे हरियाणा का क्या है, क्या क्या होता है यहाँ पे। मिसिस इंडिया 2017 नवनिधि के वाधवा का कहना है कि आज बच्चों के साथ रेप और छेड़खानी लगातार बढ़ रही है, इसी को लेकर वे लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। पंजाब के छोटे से शहर फाजिल्का में जन्मी नवनिधि के वाधवा का कहना है कि आज वो जिस भी मुकाम पर हैं उसमें उनके परिवार वालों का अहम योगदान रहा है। उनका कहना है कि वो मुंबई में रहकर पंख नामक एनजीओ के जरिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाती रहती हैं। मिसेज 2017 नवनीत के वाधवा जी मेरे साथ हैं। मैडम पहले तो आपका इंट्रोडक्शन आपके मुंह से जानना चाहूंगा। हाय, मैं नवनीति के वाधवा मुंबई से, और 2017 में मिसेज भारत आइकन सेकंड रनर अप थी, और फिर पर्सनालिटी 2017 भी रही हूँ मैं। और मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, ग्राफोलॉजिस्ट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, हीलर हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, मेडिटेशन करवाती हूँ। मैडम ये सफ़र जो यहाँ तक आप पहुँचे हैं उस सफ़र के बारे में बताइए, क्या दिमाग में थी कि मैंने ये काम करना है और ये जो प्रतिस्पर्धा चली थी वहाँ तक पहुँचने में। एक्चुअली मैं बचपन से मुझे बहुत ही जजमेंट्स फेस करनी पड़ी लोगों की। लोग मुझे बोलते थे कि काली है, मोटी है, शॉर्ट हाइटेड है, तो मेरे को था कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है विद द सपोर्ट ऑफ माई पेरेंट्स, माई हस्बैंड संदीप वाधवा एंड विद माई डॉटर्स सपोर्ट आई रीच देयर। मैं स्पिरिचुअलिटी में तो ऑलरेडी थी बट आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर द अदर साइड ऑफ मी, तो उसी से ही मुझे मोटिवेशन मिला अपनी डॉटर्स को देख के कि आई शुड सेट अ यू नो रोल, अ राइट रोल मॉडल फॉर देम, सो दैट दे डोंट फील यू नो माई मदर हैड नॉट डन एनीथिंग इन हर लाइफ। तो इसीलिए मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और मैं सेकेंड रनर अप भी बन गई। फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है जब आप इस तरह के कार्य में जाते हैं? फैमिली का बहुत सपोर्ट रहता है, फैमिली के सपोर्ट के बिना डिफ़िकल्ट हो जाता है। कर तो लेते हैं हम बट डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे हम एक प्लांट लगाते हैं, एक सीड से प्लांट बनता है, फिर प्लांट से वो ट्री ग्रो हो जाता है, तो वो सीड को ग्रो करने के लिए सब तरह की चीज़ें ज़रूरत होती हैं। उसको धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, राइट एटमॉस्फेयर, राइट कंडीशन। वैसे ही एक किसी भी पर्सन को, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उसको ग्रो करने के लिए राइट कंडीशंस चाहिए, वो आती हैं व्हेन यू हैव अ गुड फैमिली सपोर्ट। मैम पूरे देश में दिनों बवाल मचा है बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं हैं, छेड़खानी की घटनाएं हैं, उस पर वर्क कर रही हैं? यस वेरी मच, आई वी कीप ऑन यू नो क्रिएटिंग कैंप्स बॉम्बे के आसपास इधर आके, और वहाँ पे हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, एजुकेट करते हैं लोगों को, उनको बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं तो उनको बात करना चाहिए, काउंसलर्स के पास जाना चाहिए, अपने आप को दबा के नहीं रखना चाहिए। फर्स्ट फीमेल्स के साथ अगर गलत हो रहा है तो उनको भी उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए, और मेल्स जिनके अंदर ये सब चीज़ें चल रही हैं वो सिर्फ लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस की वजह से है, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हो, क्योंकि इंडिया में सेफ्टी ऑफ फीमेल इज़ द मस्ट, इज़ द नीड ऑफ द आवर। आप जहाँ पैदा हुई फाजिल्का पंजाब का एक छोटा सा शहर है, और जहाँ आपकी इन-लॉज हैं कैथल वो हरियाणा में है, पंजाब में इस समय नशे का दौर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपने कभी कैंपेन किया? और दूसरा हरियाणा में घूंघट की प्रथा है, जो अभी भी आप गांव में चले जाओ तो घूंघट लेके महिलाएं जो निकलती हैं, पंजाब में कुछ करेंगी और हरियाणा में क्या करेंगी? पंजाब में मैं मेरे हिसाब से किसी भी चीज़ का एडिक्शन होना एक गलत बात है, चाहे वो अल्कोहल का हो या किसी भी चीज़ का फॉर दैट मैटर। कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक्स भी बहुत पीते हैं, वो भी अच्छा नहीं है। कुछ भी
लिमिट में ही अच्छा लगता है। आग भी अगर घर में हम आग जलाते हैं खाना बनाने के लिए, अगर वो लिमिट से बढ़ जाए तो वो घर को जला देती है। तो आई एम डेफिनेटली यू नो गोइंग टू डू समथिंग अबाउट ये जो नशा का प्रॉब्लम चल रहा है पंजाब में। और घूंघट प्रथा की जहाँ तक बात आती है, वो यही एक अवेयरनेस और एजुकेशन मुझे देनी है लोगों को, पहले भी मैंने बात करी है, तो वो अवेयरनेस के साथ ही वो चीज़ें क्लियर आउट होंगी कि फीमेल्स कैन ऑल्सो यू नो ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, फ्लाई हाई। अभी समय जो महिलाएं इस कार्यक्रम को देख रही हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं संदेश ये देना चाहूँगी कि अपने ड्रीम्स को अंदर मत दबाइए, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करिए। कई बार ये होता है कि हम सोचते हैं कि मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं या छोटे हैं, लोग हंसेंगे या सपोर्ट नहीं करेंगे। एटलीस्ट बात तो करना चाहिए ना, हम पहले ही जज कर लेते हैं चीज़ों को, तो हमें उनसे बात करनी चाहिए कन्विंसिंग वे में। और हमें जो हम अगर जो भी अपने ड्रीम्स ले रहे हैं उनके साथ फिर 100% उसको सपोर्ट करना चाहिए अपने हार्ड वर्क से। तो बात करें उस बारे में, बताएं लोगों को। अब मिलवाते हैं उनसे जो बिना कोई एनजीओ बनाए समाज के लिए काम कर रही हैं। पूनम सैनी का कहना है कि वो खुद अपनी बेटी को गुड टच बैड टच के बारे में बताती हैं और अब बैकवर्ड एरिया में जाकर बच्चों के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगी। पानीपत में हेडमास्टर स्टूडियो में पहुंचे हैं मेरे साथ पूनम जी, इनसे भी बातचीत करते हैं। मैडम, आपके बारे में काफी सुना है, समाज सेवा में आप ज्यादा रहती हैं, तो ये बच्चियों को पानीपत में आपने सुना होगा 8 महीने की बच्ची है, 4 साल की बच्ची, उनके साथ पिछले दिनों रेप की घटनाएं ज्यादा हैं, कभी आपने उनके घर पर या फील्ड में जाकर काम करने की कोशिश की या आगे क्या करने जा रहे हैं? इस पे बहुत ही जल्दी हमारा काम चल रहा है, जिसमें एक है मीडिया है जो हमें बॉस स्पॉट करे, जो ऐसे सामाजिक कार्य करती रहती है और मैं उनके साथ जुड़ी भी हुई हूँ। और अगला जो कार्य उनका यही है, क्योंकि मैं सबसे पहले मैं अपने से लेती हूँ, मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची सेफ नहीं है। वो क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं बोलो और सब्जी वाला PN ड्राइवर, जहाँ से हमारे बच्चे क्रॉस हो के आते हैं, गार्डनर, तो वहाँ से आते, स्कूल के बच्चे एजुकेशन ऐसे नहीं करते, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे करते हैं। बयान में देखे 12th क्लास के बच्चे ने ये सब किया था, तो वो 1500-2500 में एक बच्चे ने किया था। वो मानसिकता है वो एक आधे की होती है, और उसमें मैं पेरेंट्स को भी नहीं कहूँगी, ध्यान रखो और चौकन्ने रहो, अपने बच्चों को समझाते रहो। जो भी वीडियोस मेरे पास आती है, सोशल का बहुत बड़ा हाथ है। मैं अपनी बेटी को हार्डली 3 से 4 साल की है, मैं उसको अभी से समझाती, बेटा दिस इज अ गुड टच, दिस इज अ बैड टच, और आपको क्यों, बच्चे का जो माइंड होता है हमसे ज़्यादा होता है, उन्हें हमसे ज़्यादा पता होता है। अगर मैं शुरू से ही अपनी बेटी को वो चीज़ समझाऊंगी तो उसको पता होगा। मूवीज में आती है, एड्स आते हैं, कोड रखो, व्हाट्सएप पे स्क्रॉल किया जो खत्म हुआ, तो वो जब तक हम खुद नहीं अपनाएंगे और टीचर्स, स्कूल्स हमें सपोर्ट नहीं करेगा, हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो हम निकल के सड़क पे आते हैं। लोगों को ना पहले ठोकना, मतलब ऐसे करना पड़ता है कि जागो, तब वो जागते हैं। जागने के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो सड़क पे आते हैं। तो मैंने कि वो बच्चों वाला कार्य मैं ज़रूर आगे, जिनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ वो अगला कार्य वही है। और ये जो मानसिकता, ऐसी मानसिकता के लोग हैं, उनको मतलब उनके घरों में जाके ये चीज़ समझानी पड़ेगी, ऐसा करने की सोची भी। तो यहाँ पानीपत का जो DC है, उनके साथ बैठ के भी आप क्या करोगे? कर दिया उसको, तो आप सुप्रीम कोर्ट, न्याय कोर्ट की वेट करोगे? वो तो है, न्याय व्यवस्था है। आप अपने बियॉन्ड पे अपनी सिटी के लिए क्या कर सकते हो? जब तक वो कुछ ऐसा कानून नहीं बनाएंगे ना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, फैमिली को अंदर कर देंगे, मतलब कुछ ऐसा सख्त स्टेप जो लोगों में बैठे, डर बैठे, कहीं ना कहीं कानूनों में जो है बदलाव होना चाहिए। यस यस, हमारे जो CM है, जो शायद मैंने भी कहीं पढ़ा था, CM सर ने बोला है कि अगर ऐसा होता है तो विद इन अ वीक पे उसको फांसी की सजा, ये शायद मैंने कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में ही पढ़ा है। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है कि कानून में अवश्य जो है बदलाव होने चाहिए और इसके लिए वो मांग करेंगे कानून में। हरियाणा के CM है ना, तो वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वो जल्दी से जल्दी हो, और उसके लिए सीधा मतलब मांग करे, एक दिन में हो, चाहे वो 12 बजे कोर्ट बैठे, 4 बजे सुबह के बैठे, और उसी समय टिल द डेट
खत्म, मार दो यार, खत्म करो उनको, रखो मत उनको कि जेल में भर के खाना खिलाओ, रोटी दो, सब्जी दो उसी समय, ताकि एक मरेगा ना सो जो ऐसी गंदी मानसिकता की अपने आप सीधे। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता जब ऐसे मामले पड़ जाते हैं तो पुलिस प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कैंपेन चलाए जाते हैं, जब वो मामला ठंडा हो जाता है फिर वो कैंपेन खत्म हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा है कि आप उस कैंपेन को लगातार फॉरवर्ड करते रहो या कॉलेज या स्कूल में जाके गुड टच बैड टच जैसी आप बता रहे हैं इस तरह की? मेरे पास अभी वीडियो आई, मेरी बेटी DPS पानीपत रिफाइनरी, मैंने उसी समय उसकी क्लास टीचर को फॉरवर्ड कर दिया कि ये प्लीज आप स्कूल में डिस्कस कर लेना, रिक्वेस्ट करी, हम पेरेंट्स हम ऑर्डर तो दे नहीं सकते, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज आप ये कल जब भी एक्टिविटी हो ये बच्चों को समझाना है, बिकॉज उसने बहुत अच्छे से वीडियो में समझाया गया गुड टच, तो मेरी बेटी को भी अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि वो आपको अपनी चीज़ कहने के लिए इमेज बनानी पड़ती है और वो इमेज जल्दी से दिमाग में बैठ जाती है, तो वो स्कूल्स में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, जब पेरेंट्स मैं हूँ, मेरी बेटी में 35-40 बच्चे हैं, अगर मैंने एक इनिशिएटिव लिया क्या पता 5 लोगों ने और भी लिया, तो जब हम जैसे लोग ऐसे बढ़ेंगे ना तो स्कूल भी अवेयर होगा कि यस ऐसे स्टेप्स करें, पेरेंट्स की काउंसलिंग मीटिंग्स पर लग बुलाएं और वहाँ भी एक ऐसा कुछ प्रोग्राम करें, बट सबसे बड़ा योगदान तो आप लोगों का है। आप लोग, हम 5, 25, 100 ऐसे, आप तो पूरे उसको जगाते हो, तो आप लोग सबसे पहले अवेयर, आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें, दिखाते रहें, उनमें डर भी आप लोगों की वजह से, जो आप लोग डायरेक्ट टच पे रहते हो कि ऐसा हुआ तो इसमें ऐसे कर देंगे, गंदी मानसिकता मेरे ख्याल से कुछ नशा वशा कर दिया आपने, तो वो बंद करवा दो, आसपास स्लम एरियाज में ना मिले देना बंद करवा दो, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही कर सकती है। आज की गतिविधियों में बस इतना ही, जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ, नमस्कार। समस्याओं से घिरा पानीपत, हर रोज एक नई समस्या, समस्याओं से पैदा होती एक और नई समस्या, आप सोचते हैं कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, कहे भी तो किससे, कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपकी सुनी भी जाएगी और आप कह भी पाएंगे, अब हर मुद्दे पर होगी बहस, हम चलाएंगे मिशन के तहत एक मुहिम, अब हर मुद्दे का होगा स्टीक विश्लेषण, वॉइस ऑफ पानीपत देगा आपको मंच, अब वॉइस ऑफ पानीपत बनेगा आपकी आवाज, वॉइस ऑफ पानीपत पहुंचेगा हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक पर, आपका मुद्दा।